देखिए, ये बहुत ही इजी है और इसका आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके मल्टीपल यूजेस हैं। तो सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे और एक दो तीन चार पाँच, इस तरह से टोटल 18 चेन बनाएंगे। देखिए, इस तरह से 18 चेन बना ली। आप देखिए, ये जो फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे, जो सेकंड वाली चेन है इसमें एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर धागा लपेटेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे, इससे नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशे करेंगे, इससे अगली चेन में भी एक डबल क्रोशे करेंगे और इससे नेक्स्ट वाली चेन में भी एक डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह तीन डबल क्रोशे तीन चेनों में, फिर नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशे और इससे अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से बना लीफ। अब देखिए, लीफ का डिज़ाइन बना। अब यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ चेन बनाई। आठ चेन बनाने के बाद ये देखिए, फर्स्ट वाली चेन को एट चेन बनाने की चेन्स बनाने के बाद फर्स्ट वाली चेन को स्किप करा, सेकंड वाली में सिंगल क्रोशे बनाया, उससे अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाया एक, उससे नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशे बनाया, उससे नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशे बनाया और उससे नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशे बनाया, तीन चेनों में तीन डबल क्रोशे बनाए इस तरह। फिर नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाया और उससे नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशे बनाया। इस तरह से लीफ बन गई। दो लास्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशे बनाया इस तरह। देखिए, इस तरह बनाया लीव्स। अब जो थ्रेड है इसको सेंटर में लाएंगे इस तरह और इधर। अब इसको ऐसे एक चेन बनाएंगे इस तरह से, यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह। अठारह चेन बनाई, फिर फर्स्ट वाली को स्किप करा, नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशे, फिर से लीफ बनाएंगे पत्ती और उससे नेक्स्ट वाली में हाफ डबल क्रोशे, उससे नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशे, उससे नेक्स्ट वाली में भी एक डबल क्रोशे और उससे नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशे, तीन डबल क्रोशे तीन चेनों में, फिर उसके नेक्स्ट वाली में हाफ डबल क्रोशे और उसके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे। इस तरह से लीफ बनाई, लीफ बनाई इस तरह। अब ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे सेकंड वाली लीफ बनाई थी, लीफ बनाने के बाद फिर से एट चेन बनाएंगे। दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ चेन बनाई, सेकेंड वाली में डालेंगे सिंगल क्रोशे और उससे नेक्स्ट वाली में डालेंगे हाफ डबल क्रोशे, उससे नेक्स्ट वाली में डालेंगे एक डबल क्रोशे, उससे नेक्स्ट वाली में डालेंगे एक डबल क्रोशे, तीन चेनों में तीन डबल क्रोशे बनाएंगे और ये तीसरा डबल क्रोशे। अब उससे नेक्स्ट वाली में डालेंगे हाफ डबल क्रोशे और लास्ट वाली में डालेंगे सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से ये दो लीफ बनी। अब देखिए, दो लीफ बनाई। अब ये जो थ्रेड है इसको इस तरह से इस साइड टर्न किया और ये क्रोशे में एक चेन बनाए इस तरह। अब 18 चेन बनाएंगे, 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18. अब देखिए इस तरह से ये लीव्स बनाते जाएंगे ऐसे। सेकेंड वाली जो चेन है उसमें सिंगल क्रोशे किया, फिर थर्ड वाली में हाफ डबल क्रोशे, उसके नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशे, उसके नेक्स्ट वाली में भी एक डबल क्रोशे, उसके नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशे और उसके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे। इस तरह से लीफ बना। अब नेक्स्ट एट चेन बनाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8 एट चेन बनाई। सेकेंड वाली में क्रोशे को डालेंगे सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट वाली में डालेंगे हाफ डबल क्रोशे, उसे नेक्स्ट में डालेंगे एक डबल क्रोशे, उसे नेक्स्ट में डालेंगे दो डबल क्रोशे, इसके नेक्स्ट में डालेंगे तीन डबल क्रोशे, उसके नेक्स्ट में डालेंगे हाफ डबल क्रोशे और लास्ट वाली में डालेंगे सिंगल क्रोशे। इस तरह से अब ये जो है ऐसे बने लीव्स। अब देखिए इसको ये जो थ्रेड है ऐसे ले जाएंगे और यहाँ से फिर 18 चेन बनाएंगे इस तरह, 2, 3 इस तरह से अपनी लीव्स बनाते जाएंगे। आपको जितना लंबा चाहिए, जिस लेंथ का चाहिए, उस हिसाब से आप लीव्स बनाते जाइए। और इसको देखिए इस तरह से जितना बढ़ाना चाहिए उतना, जितनी हमें लीव्स चाहिए, पैटर्न चाहिए, उतना बड़ा बनाते जाएंगे। 18 चेन बनाएंगे, लीव्स बनाएंगे, 18 चेन बनाएंगे, लीव्स बनाएंगे। इस तरह से देखिए हमें जितना लंबा चाहिए हम यहाँ से बढ़ाते जाएंगे। 18 चेन बनाएंगे और फिर लीव्स बनाएंगे, पत्तियाँ बनाएंगे। अब हम यहाँ पे ये फ्लावर बनाएंगे, तो उस फ्लावर के लिए तो ये जो लीव्स हैं इनके ऊपर फ्लावर बनाते जाएंगे। तो उस फ्लावर बनाने के लिए देखिए सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह। अब अपने पैटर्न को पकड़ेंगे। देखिए हमें यहाँ पे फ्लावर अटैच करना है, तो ये देखिए जो ये वाली चेन है इसके एक लूप में डालेंगे और इसके बैक में, बैक लूप में डालेंगे इस वाली चेन में। अब अपनी ये जो स्लिप नॉट है इसको भी डालेंगे इस तरह और इसको इस तरह से पुल करेंगे और एक चेन बनाएंगे। इस तरह से अटैच हो गया हमारा थ्रेड। फिर एक चेन, 2, 3 और 4 फोर चेन्स बनाई, धागे को लपेटा क्रोशियो में और सेम इसी वाली जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको एक ही बार निकालेंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, उसको एक ही बार निकालेंगे, तो दो डबल क्रोशे हो गए। एक बार निकालेंगे और एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, उसको भी एक ही बार निकालेंगे, तो ये इस तरह से हमारे पास फोर लूप्स हो गए। तीन डबल क्रोशे एक साथ निकालेंगे और ये वाला लूप फोर हो गए हमारे पास, इनको एक साथ निकालेंगे इस तरह। अब देखिए 1, 2, 3 चेन बनाएंगे। अभी जो ये जो लूप्स हैं सारे जो नीचे हैं चेन के, इनको क्रोशे हुक में डालेंगे और इस तरह निकालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे इस तरह। अब फिर से 1, 2, 3 चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाई, फिर ये जो लूप हैं लास्ट वाले, ये इन सभी लूप्स में क्रोशे हुक को डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस वाले से। ये देखिए इस तरह से बना। अब नेक्स्ट तीन चेन फिर से बनाएंगे, 2, 3 अब ये जो लूप्स हैं ये तीन चेन के नीचे, ये देखिए इनमें क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ इस तरह। तो ये इस तरह से बनेंगे और फिर देखिए 1, 2, 3, 4 चार चेन बनाएंगे। अब ये जो इसमें डालेंगे और
स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच किया, क्रॉश योक को निकाला। अब बैक साइड से देखिए, ये जो लूप है क्रॉश योक में डालेंगे और इसको बैक साइड में लेके आएंगे। बैक साइड में इसको लेके आएंगे और अब देखिए, बैक साइड में लाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद अपनी थ्रेड को जो है कट कर लेंगे, ऐसे निकाल देंगे और टाइट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा फ्लावर बना। इस तरह जैसे ये बना है तो देखिए फ्लावर बने हमारे। अब ये जो थ्रेड है इसको देखिए सुई की हेल्प से हाइड करेंगे लूप्स में डाल के। देखिए सुई डालेंगे और लूप्स में हाइड करते जाएंगे थ्रेड को। इस तरह और थ्रेड को कट कर लेंगे। इस तरह सेम इसको भी ऐसे ही हाइड कर लेंगे। अब देखिए इसको भी सुई की हेल्प से लूप्स में डालते हुए हाइड कर लेंगे। और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से फ्लावर बनता है। देखिए इस तरह, इस तरह से फ्लावर अटैच किए। एक बार और बता देती हूँ, सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। अब पकड़ेंगे, देखिए जो लीफ है, जो ये वाली चेन है, इसमें क्रॉश योक को डालेंगे इस तरह और ये बैक साइड में इसमें डालेंगे इस तरह। और ये जो स्लिप नॉट बनाई थी इसको भी डालेंगे ऐसे, ऐसे निकालेंगे। फिर चेन बनाएंगे, एक दो तीन और चार, चार चेन बनाई। अब देखिए धागा लपेटा, सेम इसी जगह पे क्रोशियो को डालेंगे और एक हाफ क्रॉश, एक डबल क्रोशियो बनाएंगे। एक ही बार निकालेंगे इसे। अब देखिए दोबारा से डबल क्रोशे बनाएंगे, एक ही बार निकालेंगे, दो डबल क्रोशे। अब एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, तीन, और उसे एक ही बार निकालेंगे। इस तरह से देखिए फोर लूप हो गए, एक दो तीन चार, इनको एक साथ निकालेंगे इस तरह। फिर एक दो तीन चेन बनाएंगे और ये जो लास्ट में ये जो लूप्स हैं इनके अंदर क्रोशियों को डालेंगे और इसमें से निकालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह। फिर दोबारा से एक दो तीन चेन बनाएंगे। अब ये जो लूप है ये इनमें क्रॉश योक डालेंगे, फिर से निकालेंगे इस तरह और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर एक दो तीन चेन बनाएंगे और ये जो लूप्स हैं नीचे, ये देखिए वाले, क्रॉश योक को डालेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, निकालते हुए स्लिप स्टिच करेंगे इस वाली चेन में। तो ये इस तरह से बनेंगे। अब इसके बाद देखिए, फिर एक दो तीन चार चेन बनाएंगे। अब चार चेन बनाने के बाद सेम इसी जगह पे क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच किया, ऐसे स्लिप स्टिच किया। अब क्रोशियो को निकाला और बैक साइड से क्रोशियो को सेम जगह पे इस तरह डाला और ये जो लूप है क्रोशियो को इसमें डालेंगे। आप देखिए इस तरह से इसे बैक साइड में निकालेंगे इस लूप को इस तरह से क्रोशियो की हेल्प से। और अब एक चेन बनाई और अपनी थ्रेड को कट करेंगे।
इस तरह। देखिए इस तरह से बना ये फ्लावर हमारा। अब जो है इसको क्रोशे हुक या सुई की हेल्प से हाइड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये बन गया हमारा पैटर्न। और आप इसे जितना चाहे उतना, जितनी लेंथ आपको बढ़ानी है उतना लंबा आप बना सकते हैं, और इसमें फ्लावर भी बना सकते हैं आप। कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ यूजेज हैं इसके। इसको लेस की तरह यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, और इसको बच्चों के, छोटे बच्चों के हेयर बैंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो और डेकोरेशन के लिए, मंदिर के लिए छोटी छोटी झालर बनाने के लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी है, देखिए ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही सुंदर लेस है। इसको लेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है।